हेलो गाइस, आज आपके लिए कहूँगी कैसे वेबसाइट जहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। काम है ऑनलाइन ट्रांसलेशन का, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, या फिर अगर आप जानते हो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ये काम करके आप पैसे कमा सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप गूगल ट्रांसलेशन का हेल्प लेकर के उससे भी आप ये ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो गाइज, और पैसे कमा सकते हो। जो साइट है बेहद ही जेन्युइन साइट है, यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह के चांस नहीं है। और साथ में गाइज, इसमें आपको 1 रुपये भी फी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना है, और यहाँ पे कोई भी आपको पैसे नहीं देना, आप फ्री में यहाँ से काम कर सकते हो, 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइज, जान लेते हैं कौन सा साइट है और कैसे अर्निंग करना है। उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, वहाँ पे ओपन करके आपको सर्च करना है 1 आवर ट्रांसलेशन। यहाँ पे सर्च करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1hourtranslation.com, और यहाँ पे आते हो गाइस तो सबसे पहले जो लिंक है उसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपका वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक चीज़ आप देख सकते हो गाइस, जो MI कंपनी है या फिर आपको अमेजोन है या फिर सबवे, ऐसी कंपनियों के लिए वेबसाइट काम करता है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है और कैसे है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको करने के लिए 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा गाइस, यहाँ पे बिकम अ ट्रांसलेटर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे बिकम अ ट्रांसलेटर पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने बाद गाइस कुछ ऐसा आपका ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 डॉट पे क्लिक करना, अगर आप मोबाइल से करो 3 डॉट पे क्लिक करके, और यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे इसको गाइस सबसे पहले जूम करके दिखा देता हूँ आपको, और सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ गाइस ऐसा आपका ओपन होकर आ जाएगा। आपको सारा फॉर्म फिल करके दिखाऊं कैसे फॉर्म फिल करना और कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे गेट योर अकाउंट स्टार्टेड ऐसा कुछ लिखाएगा। तो यहाँ पे आप क्लाइंट हो तो क्लाइंट करोगे, लेकिन आप क्लाइंट तो नहीं हो, यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम करना है तो ट्रांसलेटर पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा आपको ओपन हो क्या जाएगा, कुछ फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फुल नेम डालना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दोगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद जेन्युइन कन्फर्म पासवर्ड डालना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, ताकि जो भी जॉब वगैरह मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा गाइज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड यहाँ पे स्टेट है, इस पे क्लिक करके आप जो भी कंट्री में रहते हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसका यहाँ पे क्लिक करके कर दोगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आई एग्री टू, उस पर चेक कर देना। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप क्लिक करते हो सेव एंड कंटिन्यू पे तो कुछ ऐसा आपको ओपन होकर आ जाएगा, प्रोफाइल है यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले गाइस नीचे लिखा है योर नेटिव लैंग्वेज, तो नेटिव लैंग्वेज आप जो भी बोलते हो, हिंदी बोलते हो तो हिंदी डाल देना है, इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश डाल देंगे, तो या गुजराती बोलते हो गुजराती डाल देना। तो गाइस यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा है योर सेकेंड नेटिव लैंग्वेज, आप दूसरी नेटिव लैंग्वेज क्या है, अगर हिंदी के अलावा कौन सा लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश यहाँ पे क्लिक करके, इंग्लिश यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्लिक और इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने बाद गाइस यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन स्किल्स, तो यहाँ पे आ जाते हो। तो सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पे लिखा है सोर्स लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज में आपको क्या भरना है। जैसे मान लो आप इंग्लिश में को हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो आपका सोर्स लैंग्वेज क्या हो जाएगा गाइस, इंग्लिश हो जाएगा, और हिंदी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज में आएगा हिंदी। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज क्लिक करना है गाइस, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज, अगर मान लो इंग्लिश को गुजराती में करना चाहते हो या तमिल में करना चाहते हो हिंदी में, तो उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे हिंदी में करना है तो हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक कर दोगे तो ये लैंग्वेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप जितना लैंग्वेज चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो गाइस, अब देखो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हो, आप हिंदी से इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको सोर्स लैंग्वेज में जाना, हिंदी सेलेक्ट कर लेना इस बार, और यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज में इस बार आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा, आप हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर सकते हो और इंग्लिश से हिंदी में भी, और फिर से ऐड पे क्लिक कर दो तो दूसरा लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्किल्स, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन जानते हो, जैसे आपको ऑडियो मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा तो इंग्लिश में टाइपिंग करनी है सुन करके, या फिर हिंदी में मिलेगा तो हिंदी में टाइपिंग करनी है। तो जो भी लैंग्वेज में जानते हो, हिंदी में जानते हो तो हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लो गाइज, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में सेलेक्ट करके आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, और इतना कर लेने के बाद यहाँ पे गाइज यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे।
तो आपको जितने लैंग्वेज प्रोफाइल है यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको गाइज क्या करना है, सेव कर लेने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है इन अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करोगे और सबसे पहले क्या करना है आपका ईमेल एड्रेस जो भी है करेक्शन करना हो कर सकते हो। सबसे पहले गाइज आपका जो एड्रेस है उसको फिल कर लेना है, फ़ोन नंबर नहीं डाले तो फ़ोन नंबर डाल देना है और उसको OTP से वेरीफाई भी करवा लेना। इतना कर लोगे गाइज तो देखो यहाँ पे आ जाते हो तो सबसे नीचे लिखा है रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेशन, तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेट्स पे। तो देखिए जेन्युइन साइट है गाइज, तो आपसे रेज्यूमे मांगती है, अगर आपको नहीं पता तो ऑनलाइन बना सकते हो, 5 मिनट लगेगा। MS वर्ड डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में या फिर कहीं भी, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाता है रेज्यूमे बनाने का, वहाँ पे क्लिक करें गाइज। आपने देखो जो भी आप जानते हो कि कितने साल आपने ट्रांसलेशन में काम किया है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, छोटा मोटा ये सब रेज्यूमे में बना कर डाल दो गाइज। और यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड पर क्लिक करना और यहाँ पे अपलोड पर चले जाना है गाइज, और यहाँ से रेज्यूमे पे जो बना रखे हो उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अपलोड कर देने के बाद गाइज यहाँ पे अपलोड हो चुका है, उसके बाद नीचे देखो ID कार्ड मांग रहा है, तो ID कार्ड में गाइज देखो अगर कहीं जॉब करते थे वहाँ पे ID मिला है तो वो भी डाल सकते हो, या आपका जो ID कार्ड है वो भी डाल सकते हो। उसके नीचे लिखा है उसको जरूरी नहीं है डालना ID कार्ड, आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हो। उसके नीचे लिखा है सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं काम किया गाइज आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है ट्रांसलेशन का तो आप डाल दोगे। डालने से आपको ये होगा गाइज आपका अकाउंट है जल्दी अप्रूव हो जाएगा और आपका काम जल्दी जल्दी मिलने लग जाएगा, अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हो गाइज। और इतना कर लेने के बाद देखिए आपका अकाउंट यहाँ पे 30% कंप्लीट हो गया है। जैसे इतना कर लो गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अबाउट मी पे क्लिक करना है, इसके बाद अबाउट मी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे यूजर फोटो, अब फोटो पे क्लिक करके गाइज आपने एक प्रोफेशनल सा एक अच्छा सा फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना कर लो गाइज तो नीचे लिखा आएगा देखिए डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे क्या करना है आपने बारे में थोड़ा बस बायो वगैरह देना है, जैसे हाय माई नेम इज हिमांशु मेहता, आई नो हाउ टू ट्रांसलेट, ऐसे कुछ बता सकते हो कि मैं इंग्लिश से हिंदी में करता हूँ, हिंदी से इंग्लिश में, कुछ ऐसा करके गाइज यहाँ पे सेव कर दोगे। सेव कर दोगे उसके बाद देखो इतना कर लेने के बाद गाइज यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आ जाते हो, ऊपर लिखा है कंट्रोल पैनल, इस पर आप क्लिक कर दो गाइज। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ओपन हो के आ जाएगा और यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको पैसे विड्रॉ करना है और कैसे क्या करना है गाइज। जैसे यहाँ पे आते हो तो गाइज जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे लिखा आएगा देखो आपका जो भी प्रोजेक्ट वगैरह मिल रखा है सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा, कितना पेंडिंग है, कितना आपने कर चुके हो, ये सारा कुछ दिखा देगा। लेकिन अभी तो आपको 0 दिखाएगा क्योंकि ये अभी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, तो सबसे पहले अप्रूव कैसे करना है सारा बताऊंगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे माई बैलेंस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शो कर देगा कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है और कितने पैसे आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे माई बैलेंस पे क्लिक करोगे आपका अर्निंग दिखा देगा, यहीं से गाइज अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हो। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में तो नहीं ले सकते हो गाइज, लेकिन आपको पेपल के अकाउंट में ले सकते हो। अगर नहीं जानते पेपल के अकाउंट कैसे बनाते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहां से पेपल का अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे पेपल अकाउंट नंबर दे दोगे गाइज, तो जैसे अपना पेपल का ईमेल एड्रेस दे देते हो तो वहां पे आपके अकाउंट में पेपल के अकाउंट में पैसे चला जाएगा। वहां से गाइज अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पेपल से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हो। तो इतना कर लेने वाला गाइज आपको देखो ये सारा फिल कर लोगे, पूरा इन्फॉर्मेशन अगर सही से भर दोगे उसके बाद आपका प्रोफाइल वगैरह बायोडाटा सब कंप्लीट कर लोगे गाइज, तो देखो यहाँ से आपका ऑटोमेटिक सेव कर दोगे। सेव करने के बाद ये अपना आप अप्रूवल में चला जाएगा, यहाँ से 1 से 2 दिन लगते हैं, कई बार 1 हफ्ते भी ले सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट वगैरह हैं गाइज वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद गाइज आप अगर आपने सही से भरा हुआ सब कुछ अच्छे से किया होगा, अगर उनको लगता है कि ये आप काम अच्छे से कर सकते हो तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको काम वगैरह मिलने लग जाएगा। आपको ईमेल पे आ जाएगा कि हाँ आपको ये काम मिला है गाइज, या फिर अगर आपने फ़ोन को वेरीफाई कराएगा तो आपके फ़ोन नंबर पर काम मिल जाएगा कि हाँ ये काम आ रखा है। तो ऐसे जो भी काम मिलेगा यहाँ पे काम करो गाइज, जो भी अर्निंग हो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और यहाँ से अपने पेपल अकाउंट में ले सकते हो, पेपल अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो देखने के लिए गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।